वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करने आई हूँ। देखिए, केले में तो बहुत पोटेशियम होता है और ये जो केले का छिलका है हमारा, इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम है। तो पोटेशियम हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सबको बहुत पसंद है, और ख़ास करके गुड़हल और रोज़ और बोगेनविला में पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। इन पौधों में पोटेशियम डालिए तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती है। तो आप हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए। देखिए, ये दोनों तरह से हम अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो ये छिलका है इसको हम किसी शेडी जगह पर सुखा लें और फिर उसको ग्राइंड करके उनको हम मिट्टी में मिला लें, और फिर दूसरा है लिक्विड वाला, उसमें ये 3/4 हम पानी भर लें और 3-4 केला के छिलके छोटे छोटे टुकड़े, या फिर ऐसे ही हम केले के छिलके को डाल दें और इसके कैप को हम फिर टाइट कर दें और उसको किसी शेडी प्लेस पर रख दें, और डेली इसके कैप को हम हल्का सा ओपन करके ऐसे, जैसे देखिए अभी ये उसकी हवा निकाल दें, थोड़ी सा 1-2 सेकंड के लिए बस उसकी हवा निकालना है। तो खोलने से जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में गैस बनती है वो निकल जाती है। देखिए, ये बॉटल टाइट सी हो गई है, देखिए नीचे से कैसे टाइट सी है, टेढ़ी सी, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो इसके अंदर गैस बनती है इसलिए ऐसा है। फिर जब हम इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद ये बॉटल ठीक हो जाता है, जैसे अभी टेढ़ा है, खोलने के बाद फिर ये ठीक हो जाता है। फिर 15-20 दिन जैसे जैसे टाइम होता है इसकी, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसमें से गैस निकलना भी बंद हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। जब आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना हो तब आप इसका 1 लीटर पानी में इसकी 2 या 3 कैप लेकर अपने फूलों वाले पौधे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आपके पास हैं उसमें उसको दे दें। ये बहुत ही ईजी सा तरीका है और आप इसे ज़रूर बनाएं। चलिए, मैं आपको इसका प्रोसेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये हमने एक और खाली बॉटल लिया हुआ है और अब इसमें हम ये अपने केले के छिलके को छोटा छोटा भी काट के डाल सकते हैं और ऐसे भी हम इसमें डाल सकते हैं। चलिए, अब हम डालते हैं और आप देखें, ये इसमें ऐसे करके आप डाल दीजिए, और चाहें तो आप कैंची से भी इसको काट के इसमें डाल सकते हैं। तो जब ये 3 केले का या 4 केले का आप चाहें तो, आपके पास 2 केला भी है तो आप 2 केले का भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। हमने इसमें केले के छिलके डाल दिए हैं, अब इसमें हम 3/4 पानी डालेंगे, बस इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पूरा नहीं पानी भरेंगे, क्योंकि जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस में गैस बनती है तो उनके लिए वो प्लेस चाहिए होती है, तो बस इतना भरेंगे और हल्का सा हिला देंगे डेली, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए ऊपर से इसका ढक्कन को हम खोल देंगे। हमारा 3/4 पानी कंप्लीट हो गया है और हमने इसका ये कैप अच्छी तरह टाइट कर दिया है, और अब हम इसको अपने गार्डन में ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर शेड हो, या फिर जहाँ पर हम अपने गार्डन का सामान रखते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, वहाँ पर रख देते हैं, और 15-20 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। इस तरह आप रोटेशन में पहले 15-20 दिन पहले इसको बनाया, अब आज इसको बनाया, तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको बना जब इस्तेमाल करने का टाइम आएगा तो 15-20 दिन पूरा हो जाएगा। तो आप इस तरह बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर बनाएं और अपने सारे पौधों को हेल्दी बनाएं, ख़ास करके जो आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।